मैं जोशी का फ्रॉम हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट लर्नोहब डॉट कॉम तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर का नेम है मैग्नेटिज्म एंड मेटो प्रीवियसली हमने कवर किए थे फ्रॉम क्वेश्चन 5.1 टू 5.10 आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5.11 टू 5.16 इसके लिए आपको जल्दी से अपने घर पर बैठ के आराम से रेडी रहना है और मेरे साथ साथ अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस करना है तो जल्दी से रेडी हो जाइए सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जिसका नंबर है 5.11 जिसमें बोला गया है एक कोई सर्टेन लोकेशन है अफ्रीका की वहां पर एक कंपास पॉइंट से 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जोग्राफिक नॉर्थ द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक निडल ऑफ अ डिप सर्कल प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ अ मैग्नेटिक मैरिडियन पॉइंट सिक्सटी डिग्री अव दॉरीजोंटल द हॉरीजोंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड इज मेजर टू बी जीरो पॉइंटिफाई द डायरेक्शन एंड मैग्निट्यूड ऑफ द अर्थ फील्ड एट द लोकेशन तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं एक फिगर के थ्रू जिससे चीजें होंगी थोड़ी सी क्लियर तो उस फिगर को आने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो उसको ड्रॉ करते हैं तो मैंने यहां पर लोकेट कर दिया है हमारा जोग्राफिक नॉर्थ जोग्राफिक साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट यहां पर ट्वेल्व डिग्री वेस्ट पर आपका लोकेटेड है कंपास ठीक है अब हम करेंगे यहां पर कंपास अब बात हुई क्लियर ये क्या दिया है एंकल एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन ये क्या होता है गिवन में हम लिखेंगे पहले एंगल ऑफ डिक्लीनेशन टीटा, अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि ये क्या है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? ऑल दो आपने पढ़ा है चैप्टर में फिर भी बात बता देती हूँ कि एंगल बिटवीन द जोग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. ठीक है बात हो गई क्लियर अब अगर बात करें दूसरे गिवन पोर्शन की तो गिवन है फिर आपके पास कि यहां पर जो नॉर्थ टिप है मैग्नेटिक की में, वो में, 60 60 बना रही है, तो हम मान लेते हैं कि अब जो ये निडल है इसके बीच में जो एंगल ऑफ डिप होता है यहां पर वो उसने हॉरीजोंटल के ऊपर सिक्सटी डिग्री बनाया है तो हम लिखेंगे एंगल ऑफ डिप विच इज गिवन डेल्टा इक्वल टू सिक्स की यूनिट क्या होनी चाहिए में तो वन गॉस इज इक्वल टू दावर माइनस फोर टेस्ला ठीक है हमने वो भी लिख दिया अब आपको कैल्कुलेट क्या करना है यहाँ पर आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने इसका फॉर्मूला इतनी बार पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला जब आपके पास हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन क्या फॉर्मूला होता है बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा सब कुछ गिवन है बी तो निकालना है इस बी को निकालना है बी एच की वैल्यू कितनी है सिक्सटी डिग्री यहां से आप अगर बी कैल्कुलेट करोगे तो बी हो जाएगा आपका जीरो पॉइंट वन सिक्स इंटू टेंटि पावर माइनस फोर अपॉन कॉस सिक्सटी यही होने वाला है कॉ सिक्सटी की वैल्यू होती है वन अपॉइंट टू तो आप जब टू जब ऊपर जाएगा तो यहां पर आने वाला है जीरो पॉइंट थ्री टू इन टू टू पावर माइनस फोर टेस्ट और आपको अगर चाहो तो आप इसको लिख सकते हो जीरो पॉइंट थ्री टू गॉस सही लिख दिया हो गया कैलकुलेट हो गया क्या कैलकुलेट करा है हमने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अब मैग्नेट्यूड तो हो गया कैलकुलेट ये हो गया तो क्या यह क्वेश्चन एंड कर दे नहीं ना क्यों नहीं क्योंकि यहां पर डायरेक्शन भी बतानी है तो डायरेक्शन बताने के लिए आप इस क्वेश्चन को एक प्रॉपर वे में लिखोगे तो आप लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द डायरेक्शन तो आपने यहां पर डायरेक्शन बता दी क्या बता दी कि कहां पर लाई कर रहा है वर्टिकल प्लेन में जब उसका थोड़ा थीटा इक्वल टू ट्वेल्व डिग्री है किससे जोग्राफिकल मैरिडियन से और वही एंगल में आ रहा है सिक्सटी डिग्री का हॉरीजोंटल विद टल डायरेक्शन बात हो गई क्लियर डायरेक्शन भी लिख दी मैग्नीट्यूड तो पहले ही निकाल लिया जीरो पॉइंट थ्री टू कॉस और टेस्ला में हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री टू इन टू टाइन पावर माइनस फोर टेस्ला बात हो गई क्लियर इस क्वेश्चन को कर देते हैं अब लॉक और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है आपकी स्क्रीन पर जिसमें बोला गया है कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट है आपका जीरो पॉइंट फोर एट जूल पर टेस्ला देन आपके पास गिवन है डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट आपको कैलकुलेट करना है फील्ड की डायरेक्शन के मैग्नेट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ये रही शॉर्ट बार मैगनेट जिसमें होते हैं पोज साउथ एंड नॉर्थ ठीक है हमने ड्रॉ कर दिया पहले आप कैलकुलेट करोगे इसकी एक्सेस पर और आपको कहां पर टेन सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ठीक है अब आप लिखोगे यहां पर गिवन में ए पोर्शन कर रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको हम डिनोट करते हैं एम से जिसकी वैल्यू है जीरो पॉइंट फोर एट जूल पर टेस्ला एंड आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर डी इज टेन सेंटीमीटर जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में तो जीरो पॉइंट वन मीटर एंड आप जब एक्सिस पे निकालोगे तो एक्सिस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस टेन सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट इस एक्सेस पर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन डी क्यू म्यू नॉट होता है पॉमबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं फोर बाई इंटू टेंट पावर माइनस सेवन टू फोर पाई हो गया है कैंसिल और आपका आंसर आने वाला है मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के ऊपर जीरो पॉइंट नाइन सिक्स इंटू टेंट पावर माइनस फोर टेस्ट जिसको आप लिख सकते हो जीरो पॉइंट नाइन सिक्स गोस तो आपने कैलकुलेट करा है मैग्नेट्यूड अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है पार्ट क्यों? क्योंकि आपका भी एक क्वेश्चन मचा है डायरेक्शन डायरेक्शन की बात करें अगर शॉर्ट बार मैग्नेट अगर एक्सिस के ऊपर तो जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस पर वो जाएगी आपकी साउथ टू नॉर्थ तो इस तरीके से जाने वाली है ठीक है साउथ टू नॉर्थ जाएगी आपकी तो जब साउथ टू नॉर्थ यहां पर हो गई है डायरेक्शन जब एक्सिस पर बार मैग्नेट रखी गई है और आपने कैलकुलेट करा है मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने बता दी है साउथ टू नॉर्थ तो आपका यहां पर ए पार्ट हो गया है सॉल्व अब देखते हैं इसका बी पार्ट अब अगर बी पार्ट की बात कर रहे हैं तो बी पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है इक्वटोरियल लाइंस पर जो की होती है नॉर्मल बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होंगी एक्सेस के ऊपर परपेंडिकुलर अब यहां पर जब आप कैलकुलेट करोगे मैग्नेटिक फील्ड कहां पर इक्वोटोरियल लाइंस पर तो इसका में होने वाला है फॉर्मूले में चेंज क्योंकि एक्सिस के ऊपर था आपका टू एम यहाँ पर होगा न्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन डी क्यूब जब आप यहाँ पर वैल्यूज रखोगे फोर पाई इंटू टेन टू टी पावर माइनस सेवन जीरो पॉइंट फोर एट अपॉन फोर पाई इंटू जीरो पॉइंट वन का क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.48 पॉइंट फोर एट इंटू टेन पावर माइनस फोर टेस्ट ला जिसको आप लिख सकते हो जीरो तो पॉइंट भी आपने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट्यूड तो बता दिया है अभी बचा है इसकी डायरेक्शन तो डायरेक्शन की बात करें अगर इक्वटोरियल प्लेस की तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकलेगी ठीक है इक्वेटोरियल लाइंस पर नॉर्थ टू साउथ हो जाएगी एक्सिस पर थी वो साउथ टू नॉर्थ बट यहां पर उसको टर्न लेना पड़ेगा इक्वटोरियल लाइन पर वो होने वाली है जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस तो यहां पर हो जाएगी नॉर्थ टू साउथ तो इसका मतलब ये कैलकुलेट हो गई है यहां पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है क्वेश्चन हो गया है प्रॉपर सॉल्व तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन है आपकी स्क्रीन पर जिसमें बोला गया है एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसको प्लेस प्लेन हैज़ इट एक्सिस अलाइन्ड अलोंग द मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट फोर्टीन सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज गॉस एंड द एंगल ऑफ डिप डिप इज इज एंगल ऑफ है द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द द नॉर्मल ऑफ मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट फोर्टीन सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एट नल पॉइंट द फील्ड ड्यू टू मैग्नेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द दॉरिजोनटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो पहले हम क्या करने वाले हैं हम पहले लिखेंगे यहां पर गिवन तो गिवन में है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू है 0.36 पॉइंट गॉस तो आपने यहां पर लिख दिया मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है अब यहां पर आपके पास क्या है एंगल ऑफ डिप जीरो है जब एंगल ऑफ डिप अब जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गए इक्वल हो गए कैसे हो गए बी इक्वल टू क्या होता है बी बी कॉस डेल्टा जहां पर डेल्टा की वैल्यू हो गई है जीरो तो कॉस जीरो हो जाएगा वन तो बी इक्वल टू बी बी इक्वल टू बी हुआ तो यहां पर इसकी भी वैल्यू हो गई सेम इतना आप समझ गए बात हुई यहां तक उसके बाद आपको क्या गिवन है आपके पास जो है नल पॉइंट्स जो है वो आपके एक्सिस पर हैं कितने दूरी पर है फोर्टीन सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट तो आप यहां पर लिखोगे नल पॉइंट्स आर फाउंड टू बी ऑन आर फाउंड एट एक्सिस फोर्टीन सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर तो जब नल पॉइंट आ गया है आपका एक्सिस पर तो यहां पर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो किसका लगेगा एक्सिस का विच इज न्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन डी क्यू इतनी बात हो गई यहां तक अब नल पॉइंट क्या होता है नल पॉइंट वो जगह होती है जहां पर हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाती है जीरो हो जाती है अब जैसे ही क्या हुआ नल नल पॉइंट हमारा आ गया एक्सिस पर ठीक है तो यहां पर हमने लिख दिया कि आप फॉर्मूला यूज करोगे दिस वन क्योंकि तो नल पॉइंट आपके एक्सिस पर है तो आपने फार्मूला यूज करा, तो करा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जहां आप ऑन द एक्सिस का जैसे आपने यहां पर ये लिख दिया और आपने यहां पर लिखा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जीरो है तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है और जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी तो दिस बी इज इक्वल टू द बीई बीई क्या था आपके पास ये ठीक है और यहां पर हमने देखा था ये जो बीई है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर है इतनी बात तो क्लियर है यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा बीई अपॉन टू कैसे ये टू को हम ले गए हैं। तो ये होने वाला है न्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन डी क्यू अब जब इस फॉर्मूले को देखा तो क्या याद आ गया अभी क्या थोड़ी देर पहले सॉल्व कि ये जो फॉर्मूला है ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का इक्वेटोरियल लाइन्स पर इक्वेटोरियल लाइन का बन गया यहां तक बात हो गई है क्लियर इस फॉर्मूले को देख के हम समझ गए कि इक्वेटोरियल लाइंस में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मुला है अब अब क्या क्या करें अब आपको कैलकुलेट करना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द द नॉर्मल ऑफ मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट तो अब बात करें अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड की तो वो क्या होगी जो ये हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यूटोरियल लाइन क्यू है क्योंकि उसने बोला है नॉर्मल बाई पर तो जब यहां पर देखोगे तो ये तो बी तो बी है बट ये बी क्यूटोरियल भी अभी हमने निकाला कहां पर ये रहा तो यही तो था ये किसके बराबर है बी अपॉन टू के है तो हम यहां पर लिख देंगे बी अपॉन टू ये कितना हो जाएगा थ्री बीई अपॉन टू यहां पर जो थ्री बीई हुआ और ये BE की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है जीरो पॉइंट थ्री सिक्स गॉस तो यहां पर आप पुट करोगे कितनी जीरो पॉइंट थ्री सिक्स इन टू पावर माइनस फोर अपॉन टू अब कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है पावर और क्या लिख दो बच्चों जीरो पॉइंट फाइव फोर गॉस तो ये आपने क्या कैलकुलेट कराई आपने कैलकुलेट कर ली टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाई सेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द पॉइंट ठीक है हमने कैलकुलेट कर लिया है अब यहां पर जैसे ही आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो गई इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व सॉल्व हो गया ना कुछ बचा तो नहीं बिल्कुल नहीं बचा क्योंकि हमने डिस्टेंस से ही कैलकुलेट की है इसका मतलब ये क्वेश्चन को करते हैं लॉक और चलते हैं अपने नंबर फोर्टीन क्वेश्चन पर तो जो 5.14 आपकी स्क्रीन पर है जिसमें बोला गया है कि अब जो आपका बार मैग्नेट है जो आपने 5.13 में पढ़ा था उसी बार मैग्नेट को आपने अराउंड टर्न अराउंड कर दिया वन एट्टी डिग्री आपको बताना है कि अब नल पॉइंट कहां होगा अगर फाइव पॉइंट की बात करें तो वहां पर हमको मेंशन था कि नल पॉइंट हमने लिया था एक्सिस पर उसको एक्सिस लेने पर हमको ये पता चल गया था कि नल पॉइंट पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है नेट वो जीरो होती है जिसके कारण हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को हमने इक्वल रखा था यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या होने वाली है तो पहले इस कंडीशन को समझने से पहले हम लिखेंगे गिवन पोर्शन किसका फाइव पॉइंट वन थ्री का जहां पर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट इज फोर्टीन सेंटीमीटर एंड अर्थ की फील्ड थी जीरो पॉइंटोन कंपोनेंट के बराबर आ गया था क्योंकि एंगल ऑफ डेप जीरो था ठीक है अब यहां पर लिखेंगे एज द बार मैग्नेट इज टर्न अराउंड बाय वन एट्टी डिग्री जैसे हमने बार मैग्नेट को वन एट्टी डिग्री घुमाया है तो ये आ जाएगी कहां पर इक्वटोरियल लाइन पर तो आप यहां पर लिखोगे फील्ड ड्यू टू अर्थ एंड मैग्नेट अपोज ईच अदर ठीक है वह अपोज करेंगे ठीक है अब जब आप पोस्ट करेंगे तो आपका जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है एट अ डिस्टेंस डिस्टेंस चेंज होगी इक्वेटोरियल पे आप वो ले लो डी डैश ठीक है कितनी हो जाएगी इक्वेटोरियल लाइन पर फॉर्मूला हमें पता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन डी क्यूब आप ले लेते हैं इक्वेशन वन ठीक है अब यहां पर नल पॉइंट हमको पता नहीं है कहां पे फाइंड करना है तो हम पहले इनिशियली जो हमारा फाइव पॉइंट वन थ्री में नल पॉइंट था कहां पर था एक्सेस पे था तो हम लिखेंगे इनिशियली नल पॉइंट इज ऑन एक्सेस एट अ डिस्टेंस डी कितना था तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी हमारी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन डी क्यू इक्टोरियल के लिए डी डैश ली है डिस्टेंस और हमारे पास इनिशियली डी डिस्टेंस पे था तो वहां पर फॉर्मूला हो गया एक्सेस का ये तो ये हो गया इक्वेशन टू अब क्या करेंगे क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है नल पॉइंट्स मतलब डिस्टेंस बतानी है ना कितनी दूरी पर होगा तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना है डी डैश ठीक है इक्वेटोरियल लाइन ऊपर अब हम करते हैं इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं डिवाइड क्योंकि बीई एंड बी ई दोनों ही है क्योंकि जब नल पॉइंट एक्सेस पे पहुंचा तो बी इक्वल टू तो मैगनेट के अर्थ मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के, के बराबर हुआ जो कि एक्सिस पर होती है ये और यहां पर है ये इक्वेटोरियल पर तो वहां पर हो गया वो जैसे आप डिवाइड करोगे दोनों इक्वेशन को तो आप लिखोगे ऑन डिवाइडिंग वन एंड टू तो क्या हो जाएगा बीई अपॉन बीई है ना यही होने वाला है इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन डी डैश क्यूब अपॉन म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन डी क्यूब ये दोनों कट गए ये भी कैंसिल ये कैंसिल अब क्या बचता है आपके पास आपके पास बचेगा वन इक्वल टू वन अपॉन डी डैश का क्यू अपॉन टू अपॉन डी क्यू यही बचेगा अब क्या करेंगे इससे अगर आप देखोगे तो यहां पर जनरेट होगा डी डैश और डी का रिलेशन तो डैश इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन टू वन अपॉन थ्री इससे आपका ये बनकर आएगा d की वैल्यू कितनी है सेंटीमीटर एंड टू का वन अपॉन थ्री जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा फोर्टीन अपॉन वन पॉइंट टू फाइव इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी इलेवन पॉइंट वन सेंटीमीटर क्योंकि यहां पर हमने इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है तो आपका डिस्टेंस कितना आ गया इलेवन पॉइंट वन सेंटीमीटर तो आप लिख दोगे कि जो नल पॉइंट अब लोकेटेड होंगे वो कितनी डिस्टेंस पर लोकेटेड होंगे इलेवन पॉइंट वन सेंटीमीटर पर बात हो गई क्लियर क्वेश्चन हो गया सॉल्व तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है आपकी स्क्रीन पर जिसमें बोला गया है शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 5.25 पॉइंट टू फाइव टू पावर माइनस टू जूल पर टेस्ला प्लेस्ड विथ इट्स

पास मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से 5.25 पॉइंट टू टेन टू पावर माइनस टू जूल पर टेस्ला एंड आपके पास गिवन है मैग्नेटिक फील्ड किसकी अर्थ की वो है 0.42 गॉस जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो टेस्ला में 0.42 पॉइंट टू टेन टू पावर माइनस फोर टेस्ला एंड पहले आपको कैलकुलेट करनी है क्या डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है डी आपको निकालना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। पहले आप निकालोगे नॉर्मल बाई पर जो क्या होता है हमारा इक्वटोरियल लाइंस होती है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम की एम बिल्कुल एम एम अपॉन डी क्यूब यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो एम गिवन है e गिवन है D cube तो D निकल निकल ही आएगा, आएगा। तो सारी वैल्यूज को रखते हैं और कैलकुलेट करेंगे normal पर magnetic field, जो, uh, normal पर जो कर लेंगे। जैसे हमारी डिस्टेंस आएगी तो वही डिस्टेंस वो डिस्टेंस होगी जो हमारी इंक्लाइंड होगी फोर्टी विद द नॉर्मल बायसेक्टर ठीक है बात हुई क्लियर तो यहां पर सारी वैल्यूज को रखेंगे तो 0.42 जीरो पॉइंटिव पावर माइनस फोर इज टू फोर पाई इंटू टेंटि पावर माइनस सेवन अपॉन फोर पाई और मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू है फाइव पॉइंट टू फाइव इंटू टेंटिव पावर माइनस टू अपॉन डी क्यू यही बनेगा यहां से फोर पाई फोर पाई होने वाला है कैंसिल और ये है माइनस का सेवन तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पावर, 9, यहां पर देखोगे तो डी क्यूब जो है वो आने वाला है ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू टेंटिव पावर माइनस फाइव क्यूब रूट करोगे तो आपका आंसर आएगा फाइव इंटू 10 टू पावर माइनस टू मीटर और यू कैन से फाइव सेंटीमीटर अब ये जो फाइव सेंटीमीटर आया ये क्या आया है आपकी डिस्टेंस आई है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट द रिजल्टिंग फील्ड इज इंक्लाइंड एट फोर्टी फाइव डिग्री विथ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर इज फाइव सेंटीमीटर कैलकुलेट हो गया ए पार्ट कुछ नहीं था सिंपल था सिर्फ ऑर्मर पता होना चाहिए अब क्या करेंगे इसके दूसरा पार्ट कैलकुलेट करेंगे जिसमें बोला गया है आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एक्सिस के ऊपर अब एक्सिस के ऊपर की बात आ गई तो फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर वो होता है बीई इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई

इंटू डी क्यू फोर पाई से फोर पाई तो हो गया है कैंसिल ऊपर बचेगा टू इंटू फाइव पॉइंट टू फाइव इंटू टेंटर माइनस का नाइन जैसे यहाँ से, से, तो यह ना? से आपकी डी क्यूब की वैल्यू आएगी टेंट टू पावर माइनस नाइन इंटू फाइव पॉइंट टू फाइव अपॉन जीरो टू वन इंटू टें डी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा सिक्स पॉइंट थ्री इंटू और यू कैन से सेंटीमीटर तो यहां पर जो डिस्टेंस कैलकुलेट हुई है वो कितनी हुई है 6.3 सेंटीमीटर आप क्या लिखेंगे क्लियरली एट 6.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री विद द अर्थ फील्ड ऑन इट्स एक्सेस पता ही चल गया है 6.3 सेंटीमीटर पर वो रहेगी इंक्लाइंड बात हो गई क्लियर इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया टोटली totally टोटली तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ तो बच्चों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें बोला गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ए पार्ट में पूछा गया है वाई ड पैरा मैग्नेटिक सैंपल डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन फॉर द सेम मैग्नेटाइजेशन फील्ड वैन कूल्ड ठीक है तो ये क्वेश्चन पहले आपको पता होना पैरा मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है मटेरियल में क्या होते हैं कि जितने भी अलाइनमेंट्स होते हैं मटेरियल के वो होते हैं रैंडम कुछ भी डायरेक्शन में हो सकते हैं अब जैसे ही आप यहां पर टेम्परेचर को बढ़ाते मटेरियल का तो वहां पर जो रेंडमनेस है मटेरियल्स की वो क्या हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है क्यों इंक्रीज हो जाती है क्योंकि यहां पर इन मटेरियल्स के अंदर जो अलाइनमेंट है उसमें हो जाता है थर्मल मोशन जिनके कारण इनकी जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज हो जाती है जैसे ही वो इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पर जो डाइपोल है वो क्या हो जाता है इनका डिसरप्टेड हो जाता है हाई टेम्परेचर पे तो जैसे ही आप यहाँ पर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो मतलब कूल करते हो ठंडा करते हो तो क्या होता है कि यहां पर मैग्नेटाइजेशन जो है वो लगता है अब क्यों बढ़ने लगता है क्योंकि जो हो 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 रहा है है? है। है, है। का, वो वो क्या हो जाता है? कम हो जाता 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 कम कम जैसे ही तो तो और आप यहां पर लिखोगे मैग्नेटिक सैंपल डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन वेन कोल्ड बिकॉज बिकॉज द Thermal motion of molecules is random and it increases by increasing the temperature since its alignment of Get disrupted. Cub at high temperature. Therefore, by cooling the temperature or by lowering the temperature, the disruption of the molecules. Is reduced, which increases the magnetization when it is cooled. बात हो गई क्लीयर जो बोला था वही लिख दिया क्या लिख दिया अ पैरा मैग्नेटिक डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन व्हेन कूल्ड बिकॉज द थर्मल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रैंडम एंड देर व्हिच इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द टेंपरेचर टेम्परेचर इट्स अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल डिसरप्टेड डाईपुलैट डिसर देर फोर बाय कूलिंग द टेम्परेचर द डिसरप्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स गेट लोअर्ड व्हिच इंक्रीजेस द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल व्हेन इट इज कूल्ड ठीक है बात हो गई क्लियर मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाता है पैरा मैग्नेट मटेरियल का

करते हैं तो हमारा जो इंडियूज डाइपोल मूवमेंट आता है वो हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है जिसके कारण यहां पर डायमैग्नेटिज्म में ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट रहता है टेम्परेचर का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप क्या लिखोगे डायमैग्नेटिज्म द मैग्नेटिक मूवमेंट is almost negligible and when magnetizing field is present then the induced dipole moment always opposite to the Magnetizing field, therefore, it is almost independent of temperature. तो हमने रीजन लिख दिया रीजन समझ लिया एग्जाम्पल क्या होते हैं डायमैग्नेटिक के आप बोल सकते हो एन एस सी एच सिक्स तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं अब बात करते हैं इसके सी पोर्शन की तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 के बी पार्ट में पूरी स्क्रीन पर है जिसमें बोला गया है कि अगर टोरॉइड के कोर पर अगर हम यूज कर ले क्या विस्मित तो क्या उसकी जो फील्ड है इन द कोर विल स्लाइटली ग्रेटर और स्लाइटली लेस व्हेन द कोर इज एम्पटी तो यहां सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो बिस्मिथ है ये कौन सा मटेरियल है

हमेशा ही मैग्नेटाइजेशन फील्ड को अपोज करता है एंड कोई भी, भी यहां पर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है जिसके कारण कह सकते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी वो क्या होगी कम होगी जब कोर एम्प्टी था यहां पर रीजन आप लिखेंगे सिंस बिस्मथ इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड इज स्लाइटली लेस देन व्हेन द कोर इज एम्प्टी तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया है बिकॉज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड विल बी द मैग्नेटाइजेशन फील्ड ऑफ फॉर बिस्मथ कोर व्हिच विल अपोज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बिस्मिथ विच इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल तो ये रहा इसका रीजन फॉर द सी पार्ट और टोरॉइड क्या होता है हम सभी जानते हैं सबने पढ़ा है सोलोनॉइड और टोरॉइड भी क्या होता है इस तरीके का होता है अब यहाँ पे इसके कोर को हमने बना दिया था बिस्मिथ का जो कि है हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल इंपॉर्टेंट रीजन सिर्फ आपको इतना याद रखना है इसके बाद आपको डायमैग्नेटिक में आपको पता होता है कि वो इंड्यूस्ड के अपोजिट ही होता है तो इतना आप समझ जाओगे अगर आपको ये पता है कि जो बिस्मिथ है वो डायमैग्नेटिक है इतनी बात हुई क्लियर तो आप देखते हैं इसका डी पार्ट तो बच्चों इसी क्वेश्चन का डी पार्ट में पूछा गया है इज द परमोबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इफ नॉट इज इट मोर फॉर लोअर फील्ड और हायर फील्ड ठीक है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो परमोबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है तो आप लिखोगे द परमोबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज क्या रीजन है इसका बिकॉज हम जानते हैं कि जो हमारा पॉमबिलिटी है जिसको हम डिनोट करते हैं म्यूज से दैट इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू एच कहाँ से आया है ये आया है बी इक्वल टू म्यू एच से ये हमने पढ़ाता hysteresis कव में जहाँ पर ये होती है मैग्नेटिक फील्ड ये होती है हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ठीक है अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये क्या हो जाएगा लोअर और अगर आप इसको डिक्रीज करोगे तो ये हो जाएगा इंक्रीज तो आप यहां पर लिख लो लिखोगे बिकॉज वी नो दैट परमेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन देयरफॉर व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इट विल डिक्रीज और वाइस वर्सा क्लियर तो इसका मतलब डी पार्ट क्या हो गया है सॉल्व हो गया है चलते हैं इसके ई e पार्ट की तरफ तो बच्चों इस क्वेश्चन के ई पार्ट में आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ फेरोमैग्नेट

ferromagnetic material is always greater than 1 therefore magnetic field lines are always nearly normal to the surface of the ferromagnetic material at every point okay? stick to mu is greater than 1 this is the reason for this आप देखते हैं इसका एफ पार्ट तो बच्चों इसके एफ पार्ट में आपसे पूछा गया है कि अगर पैरा मैग्नेटिक सैंपल ले लिया हम ले लेते हैं ले लिया हमने इसमें क्या होता है रैंडम वेरिएशन हो रहा होता है मॉलिक्यूल्स का एंड यहां पर अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन करें तो क्या इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो फेरो के मटेरियल के बराबर हो जाएगा फेरो मैग्नेटिक में क्या होता है सारे ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलाइंड रहते हैं इन द सेम डायरेक्शन एंड ये परमानेंटली मैग्नेटाइज रहते हैं तो यहां पर आप लिखोगे यस अपार्ट फ्रॉम माइनर डिफरेंसेस इन स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल आइटमिक डाइपोल ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल द पैरामैग्नेटिक सैंपल विद सेचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन विल हैव द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नेटाइजेशन एज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सेम रहेगा मैग्नीट्यूड सिर्फ डिफरेंस कहां पर आएगा इनकी इंडिविजुअल आइटमिक जो डाइपोस है क्योंकि ये दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं तो उनमें कुछ छोटा मोटा डिफरेंस तो रहेगा बट मैग्नेटाइजेशन का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाएगा इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व हमने ये भी देखा कि क्यों हो रहा है क्योंकि यहां पर तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज है क्योंकि सेम है सेम डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और यहां पर पैरामैग्नेटिक में क्या हो रहा है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं रैंडम डायरेक्शन में होते हैं तो इसमें जैसे ही हमने बढ़ाया तो वो सेम हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक के मैग्नेटेल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बात हो गई क्लियर इसका मतलब ये क्वेश्चन को करते हैं लॉक So, hope, तो बच्चों आई होप आज का जो सेशन रहा है वो आपके लिए रहा यूजफुल आपने भी की है मेरे साथ साथ अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस जैसा कि आप जानते ही हैं लर्नोवा फ्री है पर बेस्ट है और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स एप्सलूटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट लर्नोहाअ डॉट कॉम थैंक यू तो बच्चों आई होप आज का जो सेशन रहा है वो आपके लिए रहा यूजफुल